नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट बितालोक में। मैं रवि तिवारी रीजनिंग की क्लास के साथ। आज रीजनिंग पर हम लोग बात करेंगे। एक रीजनिंग में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है आपका कंप्यूटर रीजनिंग, है ना। जैसे हिंदी रीजनिंग भी होती है, इंग्लिश रीजनिंग भी होती है, मैथमेटिकल रीजनिंग भी होती है, उसी प्रकार एक विषय होता है आपका कंप्यूटर रीजनिंग। विगत 3 वर्षों से देखा जा रहा है कि लगभग कंप्यूटर की अनिवार्यता या कंप्यूटर की मांग जो है जिस जिस एग्जाम में बढ़ी है वहां पर आपसे कंप्यूटर रीजनिंग या बाइनरी लॉजिक आपसे पूछा जाता है। बाइनरी रीजनिंग से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 3 परीक्षाओं में आपसे बाइनरी रीजनिंग पूछी गई, कंप्यूटर रीजनिंग पूछी गई। किताबों में भी यह टॉपिक नहीं है, इसलिए हल करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होती है। यूपीएसआई में तो पूरे 5 सवाल ही पजल के रूप में पूछ लिए गए। लोग परेशान होते रहे कि सर ये कैसे हल होगा, और वो 5 सवाल 10 नंबर के आपके छूट गए। एनटीपीसी में भी आपकी बाइनरी रीजनिंग से सवाल आते हैं या कंप्यूटर रीजनिंग से सवाल आते हैं। तो आज 40 मिनट का समय प्रदान करिए। 40 मिनट में हम लोग ये तय करेंगे कि आज से कंप्यूटर रीजनिंग आपको ना तो कभी पढ़ने की जरूरत रहेगी और ना ही कभी कंप्यूटर रीजनिंग से संबंधित सवाल आपके गलत होंगे। तो रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण पक्ष को हम लोग आज तैयार करने चल रहे हैं। संस्थान में खंड शिक्षाधिकारी का जो बैच है वो लगातार संचालित हो रहा है और उसमें प्रवेश प्रक्रिया भी आपकी लगातार खुली हुई है। बहुत सारे छात्र छात्राएं और सदस्य लगातार मैसेज करते रहते हैं कि सर ये बताइए कि हम अभी प्रवेश नहीं ले पाए, प्रवेश कैसे लें। क्लासेस 7 क्लास प्रतिदिन हम लोगों के यहां से जा रही है और बहुत बढ़िया से वो बैच हमारा संचालित यहां पे हो रहा है। 4 से 5 दिन उस बैच को संचालित होते हुए हो गया है। अभी भी जो लोग प्रवेश प्रक्रिया से वंचित रह गए हैं या उन्हें प्रक्रिया नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप आपको करना है 8382955694, ये नंबर है। एंट्री बीओ लिखकर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। या स्क्रॉलिंग में जो नंबर गए हैं, स्क्रॉलिंग वाले नंबर्स पर भी आप जो है फोन कर भी अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। बहुत सारे सदस्यों ने प्रवेश लिया, बहुत सारे सदस्यों ने संस्थान पर भरोसा जताया। हम आपको साधुवाद प्रेषित करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। इस स्नेह और प्रेम के लिए हम पूरी जिम्मेदारी से आपकी कसौटियों पर खड़े उतरेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग कंप्यूटर रीजनिंग की। तो पहले जानते हैं कि कंप्यूटर रीजनिंग है क्या, या इसको हम लोग बाइनरी लॉजिक भी कहते हैं। कंप्यूटर रीजनिंग या इसी को हम लोग कहते हैं बाइनरी लॉजिक। समझिएगा, 3 प्रकार के सवाल आपके बाइनरी लॉजिक में यहां से बनते हैं, है ना। पहले प्रकार का जो सवाल बनता है वो बनता है नंबर से कोड, नंबर टू कोड, नंबर से कोड। दूसरे प्रकार का सवाल जो बनता है वो बनता है कोड से नंबर, नंबर से कोड में परिवर्तित करना। इसका मतलब है नंबर से बाइनरी कोडिंग कैसे होती है, दूसरा जो टाइप है बाइनरी कोडिंग से नंबर कैसे बनता है, और तीसरा जो टाइप है गणितीय प्रक्रियाएं, है ना, गणितीय एप्लीकेशन। गणितीय संक्रियाएं जब बाइनरी में हम लोग करते हैं या कंप्यूटर में हम लोग करते हैं तो गणितीय संक्रियाओं को हम लोग कैसे देखते हैं, इसका तीसरा टाइप है। 3 टाइप के सवाल आपसे अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, क्लियर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जीएस के एक प्रश्न से जो यहां से बनता है कि बाइनरी नंबर कौन कौन से होते हैं। ऐसे नंबर जिन्हें कंप्यूटर पढ़ सकता है ऐसे नंबर को हम बाइनरी नंबर्स कहते हैं, और ऐसे नंबर होते हैं 0 और 1, और यह पूरी जो आपकी गणना होती है वो 0 और 1 पर ही आधारित होती है ना। तो बाइनरी नंबर केवल 2 होते हैं, कौन कौन से, 0 और 1। बाइनरी संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें कंप्यूटर क्या करता है, अध्ययन करता है। 3 भाग में बांट के हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं ना। पहला टाइप हम लोग ये करेंगे, दूसरा टाइप ये करेंगे, और तीसरा टाइप हम लोग ये करेंगे, और तीनों ही टाइप को हम लोग बहुत कम समय में विद इन अ सेकेंड्स आज की ही क्लास में पूरा करेंगे और आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें कंप्यूटर रीड करता है, एनालाइज करता है, वो बाइनरी नंबर्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि बाइनरी संख्या कौन कौन सी होती है, केवल 2 ही संख्याएं ऐसी हैं जिन्हें कंप्यूटर रीड करता है, 0 और 1, तो 2 संख्याएं जो होती हैं वो आपकी बाइनरी संख्याएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। जब भी आपको बाइनरी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें बहुत सारा बड़ा एक निर्देश आपको दिया जाता है कि नीचे बाइनरी अंकों पर आधारित कुछ संख्याएं एवं उसके कोड दिए गए हैं, है ना। संख्या का मान जब स्वयं का 2 गुना होता है तो संकेत एक स्थान दाईं ओर खिसक जाता है, जब स्वयं का 3 गुना होता है तो संकेत एक स्थान बाईं ओर खिसक जाता है।
आपको ये जो निर्देश आधे पेज का दिया जाता है, आधे लोग तो उस निर्देश को पढ़ के ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, जबकि उस निर्देश में आपके काम की विषय वस्तु है ही नहीं। आपके काम की जो विषय वस्तु होती है वो केवल निर्देश में दो होती है। जब भी कोई निर्देश दिया गया होगा उस निर्देश में जीरो और एक का कोड जरूर दिया गया होगा। जब भी आप पजल पढ़ेंगे, चाहे वो पजल यूपीएसआई में आई हो, चाहे वो पजल यूपीपीसीएस में आई हो, चाहे वो पजल एनटीपीसी में आई हो, जब भी आप बाइनरी लॉजिक के निर्देश को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर जीरो और एक का संकेत दिया गया होगा। आपको उस पूरे निर्देश में से केवल एक चीज निकालनी है, जीरो और एक का संकेत। मान लीजिए कि पूरा बाइनरी लॉजिक का सवाल दिया गया है और जीरो के लिए जो संकेत दिया गया है वो दिया गया है एट द रेट ऑफ, और एक के लिए जो संकेत दिया गया है वो दिया गया है डॉलर, है ना। तो लिखा होगा कि जीरो के लिए संकेत एट द रेट ऑफ है और एक के लिए संकेत डॉलर है, और एक से बड़ी संख्या के लिए कोई दूसरा संकेत नहीं है। सभी संख्याओं के मान इन्हीं दोनों संकेतों का प्रयोग करके लिखे जाते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जीरो और एक के संकेत को खोज लेना है। ऐसा आवश्यक नहीं कि ये संकेत हमेशा डॉलर या मतलब और एट द रेट ऑफ ही हो सकता है कहीं डेल्टा दे दिया हो सकता है कहीं गामा और अल्फा दे दिया गया हो। अलग अलग कंडीशन में संकेत अलग अलग हो सकते हैं। देखिए सवालों की प्रकृति के हिसाब से जो संकेत दिए जाएंगे वो संकेत केवल दो ही दिए जाएंगे, जीरो का और एक का। क्लियर। अब आपसे जैसे मैं कहूं, चलिए पहला टाइप जो हम लोग यहां पर लेते हैं, क्या सबसे पहला टाइप लेते हैं कि संख्या से बाइनरी कोड में बदलना, संख्या से बाइनरी कोड में परिवर्तन, बाइनरी कोड में परिवर्तन, मैं परिवर्तन सबसे पहला टाइप हम लोग लेते हैं, है ना। नंबर टू कोड, यहां पे पहला टाइप हम लोगों ने लिया। क्लियर। कैसे करते हैं, जैसे देखिए मैंने आपसे कहा कि यहां पे एक संख्या मैंने दी आपको 69, और मैंने कहा कि 69 की हमें बाइनरी कोडिंग करनी है। तो भैया जीरो और एक को ही कंप्यूटर रीड करता है, तो जीरो और एक के क्रम में जब हम 69 की बाइनरी कोडिंग करेंगे 69 की, तो हम कैसे 69 की बाइनरी कोडिंग करते हैं, सबसे पहले हमें इसको देखना है। मैं दो तरीके से सवाल बताऊंगा, क्योंकि पूरी प्रक्रिया को अगर दो तरीके से समझेंगे तो आगे का टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। देखिए जैसे जब आप भाग देते हैं तो आप दो चीज करते हैं, जैसे किसी संख्या में किसी संख्या का जब हम भाग देते हैं तो आप भागफल को यहां लिखते हैं और आप शेषफल को यहां लिखते हैं, यही प्रक्रिया होती है। जब हम बाइनरी लॉजिक सॉल्व कर रहे होते हैं, बाइनरी कोडिंग सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आपको इस प्रक्रिया को थोड़ा सा बदल देना है, और हमें क्या करना है कि शेषफल को हमें भागफल की जगह लिखना है और भागफल को हमें शेषफल की जगह लिखना है, है ना। भागफल को शेषफल की जगह, शेषफल को भागफल की जगह। मैं और आसानी से आपको प्रक्रिया बताता हूं कैसे हम इसको करेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पे आपका 69 की मैंने आपसे बाइनरी कोडिंग अगर पूछी है, तो जैसे मैंने यहां पे लिखा 69, आप यहां पर दो का भाग देते हुए आगे बढ़िए। हमेशा भाग देना है दो से, क्योंकि दो एकमात्र ऐसी संख्या है कि वो किसी भी संख्या को जीरो और एक के फॉर्म में बदल सकती है, क्योंकि दो से अगर कोई सम संख्या है तो वो पूरी पूरी कटके शेषफल को जीरो दे देगी, और कोई विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो वो रिमाइंडर को क्या दे देगी, एक दे देगी। तो हमेशा ध्यान रखिए बाइनरी कोडिंग जब हम करते हैं, बाइनरी लॉजिक जब हम करते हैं, तो भाग हमेशा हम दो से देते हैं। दो से हमने यहां पे भाग दिया 69 में, हाँ तो कितनी बार भाग गया, तो भागफल को आपको नीचे लिखना है। जैसे आपने कहा तीन बार गया और चार बार गया, है ना, 34 × 68, और शेषफल जो आया उसको आपको यहां लिखना है, शेषफल को यहां लिख दिया। फिर हम दो से भाग देंगे, है ना, कितनी बार गया 17 बार, शेषफल कितना आया जीरो। फिर हम दो से भाग देंगे, कितनी बार गया बताओ, तो आप कहेंगे 8 बार, शेषफल कितना हुआ एक। फिर हम दो से भाग देंगे, कितनी बार गया 4 बार, शेषफल कितना हुआ जीरो। फिर हम दो से भाग देंगे, कितनी बार गया 2 बार, शेषफल कितना हुआ जीरो। और फिर हम दो से भाग देंगे, कितनी बार गया बताओ, हाँ दो से भाग देंगे, कितनी बार गया 1 बार, और शेषफल यहां पे क्या हुआ जीरो। जैसे ही नीचे एक आ जाए आपको रुक जाना है, जैसे इस प्रक्रिया में नीचे एक आ जाए और आपको रुक जाना है। और कोडिंग कैसे करनी है,
हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ कोडिंग की जाती है। बाइनरी कोडिंग कैसे की जाती है? नीचे से ऊपर की तरफ बाइनरी कोडिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या सीधे 69 नहीं हुई होगी, पहले वो संख्या एक हुई होगी, दो हुई होगी, चार हुई होगी, आठ हुई होगी, तो संख्या के निर्माण के क्रम में हम हमेशा नीचे से ऊपर की ओर इसकी कोडिंग करते हैं। अब अगर इसके कोड को हमें लेना है तो इसका कोड क्या होगा बताओ? 1 0 0 0 1 0 1, है ना। अब आपने यहां पे अगर इतना कोड निकाल लिया तो बताओ वन के लिए यहां पे क्या था? डॉलर। तो अब आप यहां पे लिखेंगे डॉलर, फिर यहां पे क्या लिखेंगे बताओ? @@@@, फिर यहां पर एक के नीचे डॉलर, फिर @, फिर डॉलर। तो अब देखिए दिए गए संकेत के अनुसार बाइनरी पद्धति पर इस संख्या का जो मान होगा वो ये होगा। इस टॉपिक के साथ एक खास बात यह है कि अगर टॉपिक आपको आता है तो आता है, नहीं तो आप इसको हल नहीं कर पाएंगे। फिर समझिए, हमने क्या किया? दो से भाग दिया, शेषफल को हमेशा यहां लिखना है और भागफल को नीचे लिखना है। इस प्रक्रिया को तब तक दोहरा रहे तब तक एक ना आए। अब एक का मान जो था हमने एक के नीचे लिख दिया और जीरो का मान जो था हमने जीरो के नीचे लिख दिया। यह प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई। जैसे यह आपका उत्तर हो गया, एक सवाल को और लेते हैं। सपोज करिए हमने यहां पर लिखा कि हमें कोई सम संख्या हमने ली, हमने कहा कि हमें 110 का जो है बाइनरी कोड निकालना है। चलिए हम 110 की जब बाइनरी कोडिंग करने गए तो सबसे पहले हमने दो से भाग दिया, ये 55 बार चला गया, है ना। शेषफल क्या बचा? जीरो। फिर हमने दो से भाग दिया, है ना। अब बताओ दो दो नीचे ये 27 बार चला गया, शेषफल कितना बचा? एक। फिर हमने दो से भाग दिया, कितनी बार गया? 13 दूनी 26, शेषफल कितना हुआ? एक। फिर हमने दो से भाग दिया, कितनी बार गया? 6 बार, शेषफल कितना हुआ? एक। फिर हमने दो से भाग दिया, कितनी बार गया? 3 बार, शेषफल कितना हुआ? जीरो, है ना। और फिर हमने दो से भाग दिया, कितनी बार गया? एक। और शेषफल कितना आया बताओ? यहां पे एक, है ना। जैसे यहां पे शेष नीचे एक आ जाए आपको क्या कर देना है? रुक जाना है। अब बताओ अगर हम इसकी कोडिंग करेंगे तो हम नीचे से ऊपर इसको ले चलेंगे तो इसकी जो कोडिंग होगी वो इसकी कोडिंग क्या होगी बताओ? तो आप कहेंगे सर 1 1 0 1 1 1, 3 बार 1 है और फिर क्या है बताओ? जीरो। अब तुरंत देखिए संकेत कि बताओ जीरो के लिए क्या था? @ और वन के लिए क्या था? डॉलर। तो अब आप बताओ जीरो के लिए क्या था? @, तो 2 बार @ आएगा और यहां पे डॉलर 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 और डॉलर, यहां पे क्या आएगा? डॉलर। तो आपका जो कोड हो जाएगा $@$$$@ उम्मीद है कि ये चीज यहां तक समझ में आई होगी। अब इसके दूसरे पक्ष को देखते हैं। अब देखिए जो मैं इसमें ग्रीन पेन से लिख रहा हूं उसको आपको देखना है, वो प्रक्रिया और आसान है जो आपको आगे काम देगी। जैसे मान लीजिए अब जो ग्रीन पेन से लिख रहा हूं ये टाइप 2 है और इसी को हल करने का दूसरा तरीका है जो बेहद आसान है और आप इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। कैसे करना है बेसिक से समझ लीजिए। जैसे अब यहां पर देखिए जैसे 69 है हमने लिख लिया, ध्यान दीजिए। अब 69 की हमें बाइनरी कोडिंग करनी है तो आप कुछ मत करिए, आप 1 से दोगुना करना शुरू करिए और संख्या के मान को तब तक दोगुना करिए जब तक संख्या का मान दी हुई संख्या के मान से ज्यादा ना हो जाए। दोगुना करिए, तब तक दोगुना करिए जब तक संख्या का मान दी हुई संख्या के मान से ज्यादा ना हो जाए। जैसे 69 है, 1 से दोगुना करिए, 1। अब 1 का दोगुना 2 4 8 16 32 और 64, थोड़ी सी जगह कम है मैं फिर से लिखता हूं यहां पे, है ना। चलिए फिर समझिए कैसे करना है। 1 से दोगुना करेंगे, 1 2 4 8 16 32 और 64। अब हम 64 से ज्यादा नहीं कर सकते। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 64 से ज्यादा करेंगे तो मान दी हुई संख्या के मान से ज्यादा हो जाएगा और हमें जिस संख्या की कोडिंग करनी है हमें तब तक 1 से दोगुना करना है जब तक मान उस संख्या के मान से ज्यादा ना हो। इसके बाद जब आप एक कोडिंग कर लें बस आप ये सोच लीजिए कि उस 69 को बनाने में हमें किस किस को जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले 69 को बनाने में 64 को लेना पड़ेगा और 4 68 को लेना पड़ेगा और 1 69 को लेना पड़ेगा। देखते चलिएगा 69 को बनाने में किस किस संख्या को जोड़ के ये संख्या बन सकती है। तो आपने कहा 64 4 और 1, जिस जिस संख्या को लिया उसके नीचे 1 लिख दीजिए और जिस जिस संख्या को छोड़ दिया उसके नीचे 0 लिख दीजिए
और आपकी वही बाइनरी कोडिंग 100010 यहां पर आ गई, 100010 देखिए आ गई। अब बताओ वन के लिए कोड क्या था, तो आप यहां पर क्या लिख देंगे, डॉलर एट द रेट एट द रेट एट द रेट डॉलर एट द रेट डॉलर, और ये आपका उत्तर हो गया। तो आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, और ये प्रक्रिया हमें आगे भी काम देगी। तो हमें क्या करना है, दुगना करना है। कब तक दुगना करना है, जब तक मान दी हुई संख्या के मान से ज्यादा ना हो, और हमें लास्ट में ये देखना है कि जो दुगना करने पर हमारे अंक आए हैं उन अंकों में किन किन अंकों को जोड़कर हम क्या कर सकते हैं, बताइए किन किन अंकों को जोड़कर हम वो अंक बना सकते हैं जिस अंक की हमें बाइनरी कोडिंग करनी है। जिस जिस अंक को जोड़ना है उसके नीचे एक लिख दीजिए, और जिस जिस अंक को हटाना है उसके नीचे जीरो लिख दीजिए। बोलिए क्लियर हुआ, मजा आ रहा है, जैसे चलिए दूसरा देखते हैं। अब आज से बाइनरी कोडिंग कभी गलत नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां पर हमने लिया 110, क्या लिया 110, चलिए प्रक्रिया शुरू करते हैं, आप लोग भी साथ में शुरू करें। सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ, एक, फिर क्या लिखेंगे दो, फिर क्या लिखेंगे चार, फिर क्या लिखेंगे आठ, फिर सोलह, करते चलिए एक से दुगना, फिर बत्तीस, फिर चौसठ। अब चौसठ से ज्यादा नहीं करेंगे, चौसठ से ज्यादा करेंगे तो 128 हो जाएगा, और 128 हो जाएगा तो सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि दी हुई संख्या के मान से ज्यादा नहीं करना। अब बताओ बेटा 110 को बनाने में किस किस को जोड़ना चलेगा, तो सबसे पहले 64 ले लिए, और 64 के बाद 32 ले लिए, है ना, तो 64 और 32 हो गया 96, कितना हो गया 96, हमें कितना बनाना है 110, हमें 14 और चाहिए, 96 तो हो चुका, 64 और 32 96, अब हमें 14 चाहिए, तो 14 हमें कैसे मिलेगा, 8 4 12 और 2 14, देखिए 64 और 32 96, और 96 और 8 104, 104 और 4 108 और 2 110 मिल गया। जिन जिन अंकों को लिया है उसके नीचे एक लिख दीजिए, और जिन जिन अंकों को छोड़ा है उसके नीचे जीरो लिख दीजिए, है ना। देखिए वही कोड आपका यहां आ गया, 110010। अब बताइए कोड के हिसाब से देख लीजिए, एक के लिए बताइए क्या था, डॉलर डॉलर, ये एट द रेट ऑफ डॉलर डॉलर डॉलर, और ये एट द रेट ऑफ, ये आपका यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब किसी भी, अगर हम आपको नंबर को दें तो किसी भी नंबर को आप यहां पर कोड में बदल सकते हैं, चाहे वो हजार में नंबर हो, चाहे वो 500 की कोडिंग हो, चाहे वो विषम पद की कोडिंग हो, चाहे वो सम पद की कोडिंग हो, है ना। दो तरीके से मैंने आपको इस टॉपिक को बताया, क्लियर। अब इसका जो दूसरा भाग है वो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए अभी तक तो आप लोगों को यह दिया जाता था कि नंबर को कोड में बदलिए, अब अगर मान लीजिए आपसे यह पूछ लिया गया यहां पर कि, है ना, हाँ, कि संख्या से कोड में बदलना है, बस बने रहिए, संख्या से कोड में परिवर्तन, संख्या से कोड में परिवर्तन, नंबर टू कोड। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा गया यहां पर कि जीरो और एक का कोड दिया गया है, मैं फिर से ले लेता हूं वही कोड यहां पे ताकि दिक्कत ना हो, तो देखो जीरो का कोड क्या था, एट द रेट ऑफ, और एक का कोड क्या था, डॉलर, हमने लिख लिया जीरो का कोड एट द रेट ऑफ और एक का कोड क्या था, डॉलर। चलिए आइए अब गौर से यहां पे देखिए, है ना, संख्या से कोड में, तो अब ये एट द रेट ऑफ है और डॉलर है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि डॉलर 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 एट द रेट डॉलर डॉलर, अब हमने आपसे पूछा कि जो सामने कोड दिया गया है ये किस संख्या का कोड है, तो जैसे हम 110 को कोड में बदलते थे, 55 को कोड में बदलते थे, 70 को कोड में बदलते थे, अब हमें इस कोड को एक संख्या में बदलना है। कैसे हम कोड को एक संख्या में बदलेंगे, पहले ये समझ लीजिए। देखिए कोड को संख्या में बदलने के लिए हम करते क्या है ये समझ लीजिए। देखिए ये कोड जो आपका है, आप बताइए, आप दुगना करना शुरू करिए जैसे दुगना करते थे, है ना, कुछ मत करिए, आप दुगना करना शुरू करिए, है ना। तो आपने जब दुगना किया, 1 2 4 8 16 32 और 64, ये आपने दुगना करना शुरू किया। अब आप बताइए कि जहां जहां डॉलर लिखा है वहां वहां एक लिखा है, और जहां जहां एट द रेट ऑफ लिखा है उसका मतलब वहां जीरो लिखा है, और इससे पहले
एक आप किस संख्या के नीचे लिखते थे, जिस संख्या को जोड़कर आप नई संख्या बनाते थे, इसका मतलब जहां जहां एक लिखा है उसी को जोड़कर ये संख्या बनाई गई होगी। तो बताओ सबसे पहले 64 को जोड़ा गया होगा, फिर 32 को जोड़ा गया होगा, फिर 16 को जोड़ा गया होगा, फिर 2 को जोड़ा गया होगा और फिर 1 को जोड़ा गया होगा। अगर हम इन सब संख्याओं को जोड़ दें, बताओ 64, 32, 16, 2 और 1, अगर हम इन सबको जोड़ दें तो बताओ 4 2 6 6 12, 12 2 14 1 15, 5 एक कैरी किया है ना, 6 3 9 1 10 और 1 11 115। तो बताओ ये किस संख्या का कोड है, तो आप कहेंगे सर ये 115 का बाइनरी कोड है। अगर आप 115 की बाइनरी कोडिंग करेंगे तो यही आएगा। कुछ नहीं करना है, दुगना करना है, और जिस संख्या के नीचे डॉलर लिखा है इसका मतलब उसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है, इसका मतलब ये 115 की बाइनरी कोडिंग यहां पर की गई है। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, चलिए मान लीजिए मैं आपसे यहां पर कहूं, चलिए मैंने कहा डॉलर डॉलर @$@$, कितनी भी संख्या हमने ली, कुछ नहीं करिए, तुरंत दुगना कर लीजिए, 1 2 2 2 4 2 8 2 16 32 64 128 और 256, यही हुआ कि नहीं। चलिए जहां जहां डॉलर लिखा है एक लिखा है, 1 0 0 1 1 0 0 1 1, यही लिखा है कि नहीं। अब आप गौर से देखिए क्या करेंगे इसको, 256, अब देखिए 256 हो गया, 128 हो गया, 64 हो गया, किन किन संख्याओं को लेना है, सॉरी 64 को नहीं लेना है, 64 को नहीं लेना है, देखो 256 को लेना है, 128 को लेना है, 16 को लेना है, 8 को लेना है, 1 को लेना है, 16 को लेना है, 8 को लेना है, 1 को लेना है, इन सब संख्याओं को लेना है। अगर हम इन सब संख्याओं को जोड़ दें है ना, 16, 8 और 1 को, तो बताओ हाँ 6 और 6 12, 12 8 20, 8 28, 1 29, 9 दो कैरी किया, हाँ बताओ 5 और 2 7 और 1 8 और 8 और 2 10 0 एक कैरी किया, 2 1 3 और 1 4 कितना हो गया, 409। इसका मतलब ये किस संख्या की बाइनरी कोडिंग है, 409 की, 409 को जब भी हम कोड करेंगे तो यही संख्या है। तो अगर हमें देखिए अगर हमें संख्या से कोड में बदलना है तो भी हमारा वही बेसिक है जो बेसिक हमने यहां पर सीखा था, बस एप्लीकेशन थोड़ा सा अलग हो गया है ना। 5 सवाल यूपीएसआई में आपसे पूछा गया था एक साथ, 5 सवाल है ना, और हां 3 बार से कमीशन पूछ रहा है, कंप्यूटर जहां जहां जरूरी है वहां वहां आपसे पूछा जा रहा है। अब तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण एप्लीकेशन होता है, वो तीसरा एप्लीकेशन होता है मैथमेटिकल। इन्हीं सिंबल्स को हम मैथमेटिकल में यूज करते हैं, कैसे, जैसे 0 के लिए कोड दिया गया, @$1 के लिए कोड दिया गया डॉलर, कैसे मैथमेटिकल, जैसे मैंने कहा डॉलर 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 है ना, मल्टीप्लाई बाई डॉलर @$, आपको बताना है कि ये किस, इसका संख्यात्मक मान क्या होगा, संख्यात्मक मान। जब ऐसा प्रश्न हमें आ जाता है तो हमें समझ में नहीं आता कि इसको हम कैसे हल करें, लेकिन प्रक्रिया बहुत आसान होती है, संख्यात्मक मान बताना है, कैसे बताएंगे, कुछ मत करिए, ये जो कोड आपको दिया गया है आप इस कोड को क्या करिए, संख्यात्मक मान में परिवर्तित कर दीजिए। जैसे मान लीजिए यहां लिखा है 1 2 2 2 4, यही होगा कि नहीं, और यहां पर लिखा 1 2 2 2 4, अब अगर हम इस संख्या को लें तो इसमें $3 है, इसका मतलब तीनों संख्या के नीचे एक लिखा होगा, मतलब तीनों को जोड़ लेना है। तो इस तरफ की जो संख्या हो गई वो 4 2 6 1 7 हो गई, ये 7 हो गई यहां की संख्या, और मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, और इस तरह की जो संख्या हो गई वो देखिए, अब ये 0 लिखा है, ये 1 लिखा है और ये 1, तो 0 वाली संख्या को तो हम लेंगे नहीं, तो ये 4 और 1 कितनी हो गई, 5, तो यहां पर क्या होगा 5 और 7 × 5 जब हम करेंगे तो बताओ ये कितना होगा, 35। तो इसका संख्यात्मक मान आपका इस इक्वेशन का कितना होगा, 35 होगा। हाँ, इस इक्वेशन का संख्यात्मक मान कितना होगा, 35 होगा। क्लियर हो गई बात आपको, फिर एक बात समझिए यहां पे आप मेरी, चलिए आगे बढ़ते, फिर एक बात यहां पे जब आप मेरी समझिए तो देखिए, जैसे मैंने आपसे एक और मान दिया, इसी सवाल में लेते हैं, यह सवाल आपको क्लियर होगा, एक सवाल में चाहता हूं, मैं 1 मिनट इंतजार करूंगा कि आप उत्तर करें। सपोज करिए पहले लिखा $@$ मल्टीप्लाई बाई $@$, आप बताइए आपने इतना पढ़ लिया इसका संख्यात्मक मान क्या होगा, और एक सवाल मैंने यहां पे लिखा आपको, मैंने लिखा डॉलर डॉलर एट द रेट ऑफ
प्लस मैंने लिखा डॉलर 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 प्लस मैंने लिखा डॉलर एट द रेट ऑफ डॉलर और मैंने कहा इसका भी आपको मान बताना है। यहां पे मैंने लिखा आपका तीन सवाल मैं आपको दे रहा हूं, तीनों सवालों के आप मान बता दीजिए बाइनरी में मैथमेटिकल। मैंने लिखा डॉलर 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 माइनस डॉलर एट द रेट डॉलर एट द रेट। चलिए मैंने तीन सवाल यहां पर लिखे, अगर आप लोगों को चीजें समझ में आई है तो मैं चाहूंगा कि आप तीनों सवालों के त्वरित उत्तर मुझे करते हैं। क्लियर? देखिए खंड शिक्षाधिकारी की परीक्षा में श्रम ही केवल काम नहीं आएगा, मैं सामने से हटता हूं, आपको सटीक तरीके से रीजनिंग करंट अफेयर्स को हल करना, अच्छे से विषयवार प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस सेट लगाना ये बहुत जरूरी है ना। संस्थान में सभी प्रक्रिया बहुत अच्छे से चल रही हैं और बैच बहुत सुचारू रूप से संचालित हो चुका है, हो रहा है ना। बहुत सारे सदस्य जैसे जिनको आईडी पासवर्ड अभी नहीं मिल पाए हैं वो प्रक्रिया में है, धीरे धीरे चल रहा है, आईडी पासवर्ड भी मिल जाएंगे। देखिए जैसे आप लोग उत्तर कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं यहां पर आसान है। अब हम इसको अगर हल करने के लिए चलते हैं तो बताइए एक इसको मतलब दोगुना करना शुरू कर लीजिए। एक बात और हमेशा याद ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए जब भी आपने सवाल को किया होगा मान लीजिए तो दोगुना हमेशा आप ऐसे करिए एक एक दो चार आठ, है ना, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर हमेशा कैसे चलना है, राइट से लेफ्ट की ओर। अब बताइए यहां पे हमें किस किस को जोड़ना है, तो आप कहेंगे यहां पर देखिए ये एक है और ये एक है, ये जीरो है और ये जीरो है, तो इधर की संख्या को जब हमने जोड़ा तो ये कितनी हो गई 10 मल्टीप्लाई। क्लियर? अब देखिए एक दो चार आठ, अब देखिए ये तो जीरो है, ये एक है, एक है, इधर की संख्या को जोड़ा तो कितनी हो गई बताओ 9, और 10 में जब हम 9 का गुणा करेंगे तो यहां पे कितना हो गया 90, तो यहां पे आंसर हमारा हुआ 90। क्लियर हुई बात, बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए यहां पे समझ लीजिए चीजों को, यहां पे जब हम लोग आए जैसे इस संख्या के मान को देखिए एक दो चार, तो चार दो छह, इस संख्या के मान को देखिए एक दो चार, चार दो छह एक सात, और इस संख्या के मान के देखिए एक दो चार, यही बना तो चारो एक पांच, अगर ये तीनों वैल्यू हमें पता पड़ गई तो 6 7 13 और 13 5 18, तो इसका संख्यात्मक मान कितना होगा 18। ध्यान से सीख लीजिए बेटा ताकि गलती ना हो। अब अगर इसको हम देखते हैं एक दो चार आठ, चारों अंकिक मान में एक है तो 8 4 12 2 12 2 14 1 15, तो ऊपर की वैल्यू कितनी होगी बताओ 15, और ये देखो एक दो चार आठ, और नीचे की वैल्यू कितनी हो गई 8 2 10, और 15 - 10 जब हम करेंगे तो इसका संख्यात्मक मान कितना होगा 5, है ना। तो इस तरीके से ये बाइनरी के जो तीनों भाग थे बहुत जल्दी आपने सीखे और आपको मजा भी आया। क्लियर? देखिए करंट अफेयर्स की श्रृंखला के साथ और रीजनिंग के साथ मैं हमेशा आप लोगों से मिलता रहता हूं, है ना। आज हम लोगों ने यहां से शुरू किया था इसको। क्लियर? बाइनरी लॉजिक के तीन टाइप है, है ना, और तीनों टाइप को हमने क्लियर किया, नंबर से कोड, कोड से नंबर, और गणितीय मैथमेटिकल एप्लीकेशंस बाइनरी में कैसे होते हैं, और कंप्यूटर रीजनिंग में इससे ज्यादा आपसे कुछ पूछा नहीं जाता लेकिन कंप्यूटर रीजनिंग जरूर पूछी जाती है। क्लियर? और खंड शिक्षाधिकारी के बेस्ट से जुड़ने के लिए या तो स्क्रॉलिंग पर जो नंबर आ रहे हैं उन नंबर पे आप फोन कर लें, या जो नंबर आपको यहां पे दिया है इस पर एंट्री वीओ लिखकर हमारी संस्था को व्हाट्सएप करें। टारगेट विद्यालयों का ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पूरी तरह समर्पित है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन, आपकी रात शुभ हो, दिन शुभ हो, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई करें, स्वस्थ रखें और अपना ख्याल रखें। मैं आप सभी को धन्यवाद प्रेषित करता हूं। नमस्कार।